नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन और इससे जुड़े ऐसे स्टार्टअप्स की जानकारी होती है जो न सिर्फ समाज को दिशा देने में सहायक है बल्कि कई लोगों को रोजगार देने में भी। आज हम इस कार्यक्रम में आपको युवाओं की ऐसी टीम से मिलवाने जा रहे हैं जो नई तकनीक के माध्यम से खेती को सहज और उन्नत बना रहे हैं, जो आसमान से खेतों में लगी फसलों को सुरक्षा देने और उन्हें पोषण देने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन की। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दो ऐसे स्टार्टअप्स की जानकारी देंगे जो ड्रोन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इन प्रतिभावान युवाओं से। कृषि को समृद्ध बनाने के लिए तकनीकी ने खासा सहयोग दिया है, लेकिन अब भारत में तकनीकी का मतलब जरूरी संसाधन या उपकरण नहीं है, बल्कि अब तकनीकी के मायने है कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर खासा जोर दिया और इसके बाद से ही भारत में ड्रोन के निर्माण और बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हो सका है। इससे समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देगा कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी को दूर किया जा सकता है। अब सरकार इस ओर प्रयास तेज कर रही है कि किसानों को ड्रोन कैसे उपलब्ध हो, साथ ही किसान इससे फ्रेंडली कैसे हो, तो इसके लिए भी सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। हालांकि ये जिम्मा केवल सरकार का नहीं है, इसमें युवा भागीदारी भी देखी जा रही है। ऐसे कई छोटे बड़े स्टार्टअप है जो ड्रोन बना रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं और इस्तेमाल करने के तौर तरीके भी समझा रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है दानिश, जिन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर ऐसा ड्रोन बनाया है जो एडवांस सेंसर के साथ काम करता है। खेत में ऑपरेशन के दौरान अगर कोई पेड़ या अवरोध आ जाता है तो ड्रोन उससे टकराता नहीं है बल्कि अपना रास्ता बदल कर ऑपरेशन को पूरा करता है। हमने ये स्मार्ट किसान ड्रोन बनाया है सूर्य शक्ति 16L। इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। इसकी है ना 16 लीटर की टैंक कैरिंग कैपेसिटी है। इसके अंदर एडवांस सेंसरी मॉड्यूल है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए। तो यदि आपके खेत के अंदर कोई झाड़ या पोल आ जाता है तो ये अपने आप वो ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखता है। प्लस फिर इसके आगे सामने ही कैमरा और LED लाइटिंग है, तो आपका ड्रोन जब फार्म में ऑपरेशन कर रहा है तो आप रियल टाइम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस इसको आप रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 400 लुमिनस की LED लाइटिंग है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर टेरेन फॉलो सिस्टम है। कहीं कहीं होता है ज़मीनें अंडुलेटिंग होती है, तो हमारा ड्रोन वो ज़मीन को फॉलो करके ये कंप्लीट क्रॉप कैनोपी को कवर करता है। प्लस इसके अंदर हम स्मार्ट बैटरीज यूज़ कर रहे हैं जो भी इंडिया में बनाई गई है। ये ड्रोन कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, इंडिजिनियसली मेक इन इंडिया ड्रोन है और ये ऑटोनॉमस काम करता है। इसका स्मार्ट कंट्रोलर है, आप इसके अंदर अपना मिशन फीड कर दीजिए, ड्रोन अपने आप वहाँ से उड़ेगा और कंप्लीट फार्म ऑपरेशन कंप्लीट करेगा और फिर जहाँ से लैंड किया है वहीं से आके टेक ऑफ करेगा। मात्र 9 महीने पहले शुरू किया गया एक स्टार्टअप आज 5 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। आज की तारीख में खेती में ड्रोन क्यों है इतना सहूलियत भरा, इसके बारे में बता रहे हैं स्टार्टअप के को फाउंडर विशाल। हमारी स्टार्टअप करीबन 9 महीने चालू हुई है और हमारे स्टार्टअप का मकसद है कि ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइड करना। हमारी कंपनी ने ये ड्रोन खुद बनाया। आज हम 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आसाम और अभी मध्य प्रदेश। हमें किसान को अभी ड्रोन लेना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए वो ड्रोन की सब्सिडी, ड्रोन की स्प्रेइंग सर्विस प्रेफर कर रहा है। और आपके माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को कहूँगा कि आप ड्रोन सर्विस यूज़ करिए, इसमें बहुत फायदा है। जहाँ पर आपको 150 से 200 लीटर पर एकड़ पानी लगता है, यहीं आपका 10 से 12 लीटर में पानी में आपका काम हो जाएगा और दवाई की मात्रा भी वही वॉल्यूम रहेगी पर स्ट्रॉन्ग डोज रहेगा। और हम सरकार से भी एक विनंती करना चाहते हैं,
कि जब आपने अभी ड्रोन सेलिंग की सब्सिडी दी हुई है 50% और 70% फार्मर्स को और FPOs को, आप सिमिलर मॉडल जैसे गुजरात सरकार ने लाई हुई है कि फार्मर्स को ₹500 सब्सिडी मिलती है 5 बार साल में, अगर ये काइंड ऑफ स्प्रेइंग सर्विस सब्सिडी अगर आपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ले आए, तो हमें लगता है ड्रोन की परिवर्तन आएगी, काफ़ी किसान अभी स्प्रेइंग सर्विस लेंगे और आगे चल के 2-3 साल में जब उन्होंने इसका फायदा देखा तो ड्रोन भी खरीदेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रोन खेती को सहज बनाने में खास भूमिका निभा रहा है। कम समय में कीटनाशक का छिड़काव और पानी की बचत, ये दो खास पहलू हैं। हाल ही में मंत्रालय ने किसान ड्रोन के साथ ही कीटनाशक के प्रयोग के लिए एक SOP जारी की है। इसके साथ ही किसान हित में कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं यानी कि SOP जारी की, जिसमें देश में बने नैनो यूरिया और नैनो DAP का लाभ किसान उठाकर जल्दी ही ले सकेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी को सरकार ने कृषि क्षेत्र में स्वीकार किया है। पिछली बार देश के कई हिस्सों में टिड्डी का प्रकोप हुआ था, उस समय ड्रोन के उपयोग की जरूरत महसूस की गई थी। तभी से प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के पूरे समर्थन के साथ ड्रोन तकनीक लाने के प्रयास में थी। सरकार के उद्देश्य रहे हैं कि कृषि में लागत कम करने व कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से शरीर को बचाने में किसान ड्रोन द्वारा व्यापक लाभ मिल सकेगा। साथ ही सरकार के प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचे। यही कारण है कि जब ड्रोन की स्कीम बन रही थी तब सामान्य किसान, सामान्य ग्रेजुएट को भी इसमें जोड़ा गया ताकि ड्रोन का उपयोग छोटे किसानों तक सुलभ हो सके। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्रों को और सक्षम बनाने की दृष्टि से भी कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के खेतों में ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ICAR के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र SAU, राज्य केंद्र सरकार के अन्य कृषि संस्थानों व कृषि गतिविधियों में कार्यरत भारत सरकार के PSU को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता यानी प्रति ड्रोन ₹10 लाख तक प्रदान की जाती है। FPO को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 75% की दर से अनुदान सहायता दी जाती है। ड्रोन प्रयोग के जरिए कृषि सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किसान सहकारी समिति FPO व ग्रामीण उद्यमियों के तहत CHC द्वारा ड्रोन खरीद हेतु ड्रोन की मूल लागत की 40% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अधिकतम ₹4 लाख है। CHC स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से अधिकतम ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। व्यक्तिगत छोटे व सीमांत किसानों, SC/ST के किसानों, महिला किसानों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को भी ड्रोन की लागत की 50% दर से अधिकतम ₹5 लाख व अन्य किसानों को ड्रोन की लागत की 40% की दर से अधिकतम ₹4 लाख तक की सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं SMAM के कोष से अब तक किसान ड्रोन प्रचार के लिए 124 करोड़ 26 लाख की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें करीब 80,000 हेक्टेयर भूमि में उनके प्रदर्शन के लिए 317 ड्रोन की खरीद और सब्सिडी पर किसानों को 239 ड्रोन की आपूर्ति और किराए पर किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1519 ड्रोन की आपूर्ति की गई। तो जब दुनिया में पहली बार इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया बनाया, जो कि दुनिया में पहली बार भारत में बना, और इसको छिड़कने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं भारत के अलग अलग जगह जाता था नैनो के बारे में बताने के लिए। जब मैं वहाँ जाने लगा तो वहाँ मुझे पता लगा कि 1 लीटर मतलब आधा लीटर जो नैनो यूरिया है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, और उसको छिड़कने के लिए 125 लीटर पानी लगता है, और बाकी और फसलों के अंदर बाकी और दवाइयों का देखा मैंने, उसको छिड़कने के लिए 125 से 200 लीटर पानी लगता है। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा। तो जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो देखा कि कई तरीकों से भारत के अंदर कृषि के अंदर छिड़काव होता आया है। मैंने ये भी पाया
और मैं बचपन से सोचता था कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में कोई कहता है 10,000 एकड़ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई 2,000 लीटर करता है, न्यूजीलैंड में 3,000 एकड़ कर रहा है, फिर हमारे भारत देश के अंदर क्यों हम ज्यादा एकरेज नहीं निकाल पाते। तो वहां पर टेक्नोलॉजी की बात आई और मैंने अपने बच्चों से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से और सब ज्यादा इसको ने मुझे इसमें मोटिवेट करा कि आप इस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करिए। तो चूंकि मेरा कई जगह पढ़ाने का काम है तो मैंने उनको, बच्चों को बुलाया और ड्रोन के ऊपर हमने काम करना शुरू करा। और जब हम ड्रोन का काम शुरू कर मैं अलग अलग जगह फिर इसके डेमोन्स्ट्रेशन पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में मैंने 200 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी कोनों में किया। और मैंने पाया कि जब मैं ड्रोन लेके जाता था तो किसान बहुत एक्साइटेड होते थे, अच्छा भारत में भी ऐसा होगा, पर उनके मन में कई तरह के सवाल थे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो आपको 125 लीटर या 200 लीटर या 150 लीटर पानी नहीं चाहिए, आपको मात्र 10 लीटर पानी चाहिए। तो ड्रोन का जो हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर 11 लीटर का टैंक है जिसमें 10 लीटर आप पानी भरते हैं और आधा लीटर, पौन लीटर या एक लीटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो आप उसके अंदर डालते हैं। ड्रोन उड़ता है और समान तरीके से एक एकड़ को 5 मिनट से 7 मिनट में कवर करता है। तो यहाँ पर क्या फायदा हुआ, 3 फायदे मैंने अभी तक आपको बताया। नंबर 1, 90 से 95% पानी बचता है, एक एकड़ खेत 5 से 7 मिनट में कवर होता है और पूरा कवरेज जो है वो समान तरीके से होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होता क्योंकि मोटर है, बराबर स्प्रे करती है और ये वापस से वहां करके आता है। जब आप इसमें दवाई डालते हैं तो जैसे आधा लीटर दवाई है या एक लीटर दवाई है तो ड्रोन में आप 25% से 30% कम डालते हैं तो आपका 25 से 30% का पैसा भी बचा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो बार बार कहते हैं किसान की आय डबल हो, तो फसल के दाम डबल करने से आय नहीं डबल बढ़ेगी, हमारे खर्चे कैसे कम हो, हमारी इनपुट कॉस्ट कम कैसे हो, हमारा आउटपुट कैसे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो ये हर पत्ते को साफ करता है, जब पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, जब उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा और जब वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा तो प्लांट हेल्थ बेटर होगा और यदि प्लांट का हेल्थ बेटर होगी तो उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने पाया है कि 8% से 15% क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो इसके ये मल्टीपल फायदे हैं। तो युवा है चाहे किसान, किसान को ये फायदा मिला कि उसके खेत में नई टेक्नोलॉजी से छिड़काव हुआ, युवा है उसको ये फायदा हुआ कि जो वो चाहे उसने पढ़ाई करी है या 10th पास का जो बच्चा है उसको हम ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं, उसको ड्रोन देते हैं, कैसे छिड़कना है, उसको यदि पैसे का अरेंजमेंट करना है वो सारा काम करके जब वो अपने गांव में जाता है और जब वो छिड़काव करता है तो उसकी लाइफस्टाइल बेटर होती है। सफल किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में और भी कई खास बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, टर्गा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टर्गा सुपर। अच्छी सेहत के लिए, अतिरिक्त कमाई के लिए, मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए खेतों में उगाएं मूंग और उड़द। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए कृषि विशेष इस शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। कार्यक्रम में अब हम आपको दिखाएंगे ड्रोन का एक और रूप, लेकिन इसे देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा एक दूसरे स्टार्टअप की ओर। तो आइए चलते हैं इनके पास। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की नायाब कृतियों में से एक है, जिसमें किसान हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ पूस के महीने यानी कड़कड़ाती ठंड की रात में खेत के पास रहकर ही रखवाली करता है।
ताकि जंगली जानवरों से अपनी फसल की रक्षा कर सके। लेकिन कहानी का अंत दुखद होता है। जाड़ी की कश्मकश के बीच हल्कू अपने खेत को नहीं बचा पाता। ग्रामीण क्षेत्र के किसान आवारा पशुओं से फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए परेशान है। कई इलाकों में पशुओं की वजह से किसानों की पूरी फसल तक तबाह हो जाती है। ऐसे में आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा करना कठिन काम है। अपनी फसल को इन आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान कड़ाके की ठंड में खेत पर रखवाली करता है। सबसे अधिक समस्या उन किसानों को हो रही है जिनके खेत सड़क किनारे है, क्योंकि आवारा मवेशी रोड पर झुंड बनाकर निकलते हैं और आसपास खड़ी फसल को चर लेते हैं। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी मानवीय आपदा के चलते किसानों को खेत में हर साल घाटा सहन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण के ज्यादातर राज्य हाथियों के हमले से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं के बारे में युवाओं ने विचार कर एक सार्थक समाधान निकाला है। युवाओं की इस टीम ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो खेत में अनावश्यक रूप से घुसे पशुओं को बिना नुकसान पहुँचाए हटाने में कारगर है। तो देखा आपने किस तरह ड्रोन किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। इसकी और क्या क्या खूबियां हैं ये जानने के लिए आइए मिलते हैं इसे बनाने वाले कुछ युवाओं से। हमारा प्रोजेक्ट है सोकारी। ये जो है पशु पक्षी जंगली जानवर जो खेतों में घुस जाते हैं और जो फसलें बर्बाद कर देते हैं उनके लिए हमने ये सिस्टम बनाई है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती है, इसमें ड्रोन खुद ब खुद काम पूरे कर लेता है और अपनी जगह पे आ जाता है। ये 2400 घंटे आपको सर्वेलेंस और प्रोटेक्शन देने का काम करेगा और साथ ही साथ में ये बहुत ही कम खर्चे में एक वर्चुअल फेंस की तरह काम करता है। ये एक डिवाइस है कि जो आमतौर के किसानों के लिए दिक्कत सॉल्व करता है। मोस्टली इसमें इस तरीके से काम करता है, जब अपने खेत में ये आ जाता है तब कोई भी पशु जानवर बाहर का या अपने आप उनको बाउंड्री के बाहर करने का काम करता है। इसमें बहुत टेक्निकल सपोर्ट है, इसको फुल्ली ऑटोनोमस यूनिट है। उसके वजह से ये हमारे किसान भाइयों को बड़े काम की चीज़ है और ये आगे में फ्यूचर में हम लोग को बड़ा फायदा पहुँचाने, फसल का नुकसान वगैरह करने के इससे बचत हो जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसको किसान को सीखने की जरूरत नहीं, मशीन इटसेल्फ इज प्रोग्रामेबल और जहाँ उसको प्रोग्राम कर दिया अपने खेती के फैंस को उनको डिटेक्ट करने के बाद ये बाहर आ जाता। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है कि ये खुद न खुद अपने आप को जो अपने एरिया में जो जानवर रहते हैं उसको डिटेक्ट करके उसके पीछे लग के अपने फेंसिंग के बाहर करके उसको खके लेता है। और ये इससे और एंटी थेफ्ट सिस्टम भी लगा है और ये मोस्टली ये इसको यूनिट को कोई चोरी करने के हिसाब से आ भी गया तो ये अपने आप ऊपर उठ जाता है। ये वी हैव डेवलप्ड दिस ऑटोमेटेड ड्रोन। एक्चुअली हमने इसमें अब अपने फार्म के सारे एजेस पे सारे थर्मल सेंसर्स लगे होते हैं, ये सब कुछ सेंस करता है। अगर कोई भी एनिमल अगर एंटर होता है अपने फार्म में तो ये सेंस करेगा और जीपीएस पोजीशनिंग से ये ड्रोन अपने अगर जब भी कभी कोई एनिमल एंटर करेगा वो सेंस करेगा और वहाँ पर जाकर एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उससे एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो सारे रिपील हो जाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय कृषि ड्रोन का होगा। इससे जहां एक तरफ खेतों की कई समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा तो वहीं पैदावार में भी इजाफा होगा। हमें उम्मीद है कि सफल किसान का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के सफल किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और सफलता की दास्तान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। I'm
जाकर आज इसने कल भी होगा सफल। टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम टरगा सुपर। कंजक्टिवाइटिस, उमस भरी गर्मी में एक ऐसा वायरस जिसने लोगों की आंखें कर दी हैं लाल। बच्चे, बुजुर्ग और युवा हो रहे हैं इस संक्रमण के शिकार। एक विशेष कार्यक्रम आई फ्लू और आंखों की कॉमन समस्या, ताकि आपकी आंखें रहें सलामत, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मेरे माइंड में था कि हम क्यों ना अपने क्षेत्र में इस तरह का काम करें कि लोगों को रोजगार मिले, साफ सफाई से रिलेटेड हो। लोग परिवार जो है हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मुर्गी फार्म में वायरस का प्रकोप फैल रहा है, मुर्गियों में घातक रोग, चूजे हो रहे हैं बीमारी का शिकार। कैसे करें रोकथाम, क्या है उपचार, देखिए मुर्गियों में गंबोरो रोग, लक्षण और उपचार अपना पशु चिकित्सक में रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्में लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज। चेहरा है या चांद किला, गुल्फ खनेरी शाम है क्या। रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहाँ। क्या तुम राजा के सपनों के घरों पर पैर रख के आगे बढ़ सकोगी? एक बाप की मदद आप नहीं करेंगे उसकी बेटी ढूंढने में। कम से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे बॉलीवुड टॉकीज डीडी नेशनल पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर
रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हुजूर, कोई बोमकेश पक्षी आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं आपसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। नमस्कार। पैसे तो तू कमा नहीं सकता है, बड़े बड़े सपने देखने हैं, विदेश जाने का। अगर हमारे देश के युवा अभी नहीं जागे तो अगले 100 सालों तक भी हम गुलाम बने रहेंगे। What are you wearing on your suit, Mr. Jingra? ये हमने ब्रिटिश से लड़कर शहीद हुए वीरों के सम्मान में बनाया। भारतीय छात्रों को परेशान करने में सबसे ज्यादा हाथ करजन वायली का है। अगर मैं करजन वायली को अपने हाथों से मार दूं तो? स्वराज में देखिए क्रांतिकारी मदन लाल धींगरा की महान गाथा। बदलते भारत की शान।